उर्जाशक्तीचा जागर पार्ट 3 डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। तिनं प्रत्यक्षात केलंही तसंच, माझ्याकडे तिनं घेतलेले कष्ट, माझ्यासाठी तिने घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दात सांगू। कोरे पाटकोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि त्याच्या वह्या करून द्यायची। अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होतं, त्यामुळे जेमतेम हातात धरता येईल अशा पेन्सिलीनेच लिहावे लागे। तो उनके मम्मी ने उनके लिए जो किया वो मैं कौन से इसमें बोलूँ, कितने कष्ट किए उन्होंने मेरे लिए। वो क्या करती थी, जो खाली पेपर है या एक साइड में लिखा है एक साइड में खाली है, ऐसे जो कागज़ है वो जमा करती थी और उसकी नोटबुक करके अपने बेटे को देती थी। अभी बड़ा पेंसिल खरीदना मुश्किल था, नहीं था, तो जो बच्चे पेंसिल तोड़ देते मतलब फेंक देते थे ना, ऐसी छोटी छोटी पेंसिल पकड़ के ही उनको लिखना पड़ता था। याच हायस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले, ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवत। विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही तर त्या विषयाची गोडी लावली आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तंत्रज्ञान शिकवलं। तो वही स्कूल में, कौन से स्कूल में वो पढ़ रहे थे, यूनियन हायस्कूल में कि नहीं, तो वहाँ पे भावे सर थे। उन्होंने स्टार्टिंग में ही लिखा था ना, भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर, उसमें से भावे सर। भावे सर उनको भौतिक शास्त्र सिखाते थे, भौतिक शास्त्र फिजिक्स। हाँ, अभी साइंस है ना, तो विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी उनको उनको सिर्फ साइंस नहीं सिखाया, तो वो सब्जेक्ट बच्चों को पसंद आना चाहिए। हाँ, इस तरह उन्होंने उनको सिखाया। एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। भिंगाच्या सहाय्यानं सूर्यकिरणाची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवलं आणि आमच्याकडे बघून ते म्हणाले, माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जळता येईल। एकीकडे मला एकाग्रतेचा मिनिट मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजलं। तो उन्होंने एक दिन है ना, अभी तो लॅब रहते स्कूल में, तभी लॅब वगैरह है, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को लेकर अपने ग्राउंड में स्कूल के वहाँ पे गए, क्योंकि सूर्य किरण चाहिए, सनराइज चाहिए ना, और मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर उन्होंने उसके ऊपर सूरज की किरणें ली। और वो फिर क्या होते, आपने भी बचपन में वो प्रयोग किया ही होगा, वो पूरा जो ये है सनरेज का ये उष्णता है ना, हीट, वो एक कागज पे जमा हो गई और देखते ही देखते वो कागज जल गया। और उन्होंने जीवन के बारे में माशेलकर को क्या कहा कि माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ति, अभी जैसे हम लोगों ने सूरज की किरणों को इकट्ठा किया और कागज को चलाया, वैसे तुम्हारी ऊर्जा मतलब एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा शक्ति को इकट्ठा करो, आप कुछ भी जला सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो लेखक कह रहे हैं, रघुनाथ माशेलकर कह रहे हैं, मुझे तो एकाग्रता का मंत्र भी मिला, एकाग्रता कॉन्सन्ट्रेशन का, समझा ना, और विज्ञान भी समझा। आयुष्याचं फार मोठं तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणीतून गवसलं, त्यांना मी कसा विसरू शकेन। तो उन्होंने आयुष्य का बहुत बड़ा तत्वज्ञान प्रिंसिपल मुझे भावे सर के थ्रू मिला। भावे सरांप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, शिर्के सर, मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केले, संस्कार केले। जैसे भावे सर का एक उन्होंने एक्झाम्पल दिया है, वैसे ही मेरे जीवन में जोशी सर, शिर्के सर, मालेगाववाला सर, उन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन किया, संस्कार किया है ना। और मेरे जिंदगी में जो मुझे स्कूल ने दिया, ये शिक्षकों ने दिया, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। शिदोरी मतलब हम लोग जो कुछ भी, अब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए वगैरह, तो खाने की चीज़ें लेकर जाते हैं ना, उसको बांध के जो लेके जाते हैं उसको शिदोरी बोलते हैं। वैसे ही मेरे ज़िंदगी में उन्होंने इतने सारे संस्कार बांध के दिए, इसके लिए उसको शिदोरी कहा है। संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला, जगण्याचे भान दिले। आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षणक्षण आठवतं, आणि त्याचवेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे राहते, मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो। तर उन्होंने का क्या कहा कि ये जो शिक्षक है उन्होंने मुझे संघर्ष के लिए करने के लिए कुछ हम लोग को हासिल करने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, उसको संघर्ष बोला है। वो संघर्ष करने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, वो उन्होंने मुझे दिया। जगण्याचे भान दिले, कैसे जीना चाहिए वो भी बता दिया। तो आज, अभी वो तो काफ़ी बड़े हैं ना, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं, तो आज जब भी मुझे स्कूल की यादें आती है तो एक तो मुझे याद क्या आता है, कितने गरीबी में हम लोग ने पढ़ाई की वो, और एक जगह में आता है मेरी माँ, मेरे माझी शिक्षक, माझी शाळा,
मतलब मुझे जो संस्कार दिए गए वो सब मेरे आंखों के सामने आते हैं और मैं मन ही मन अपने स्कूल में जाता हुआ ऐसे मुझे लगता है। ये जो लेसन है वो आठवणीतील शाळा आणि शिक्षक ह्या पाठातून घेतलेला आहे।